जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल. दिस इज प्रगति पांडे एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज फ्रैक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लर्न व्हाट इज फ्रैक्शन. ओके, सो फ्रैक्शन आप सिंपली देखते होंगे मैथ्स में कुछ नंबर्स होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं. मतलब ऐसे नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके वो होते हैं फ्रैक्शन. देखेंगे एग्जाम्पल में हम हाउ वी कैन राइट द फ्रैक्शंस. सपोज दिस इज अ सर्कल. ओके, एंड व्हाट आई हैव डन, आई हैव मेड दिस फोर पार्ट्स. ओके, आई हैव डिवाइडेड दिस फोर पार्ट्स. इफ एनी वन आस्क यू दैट व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस शेडेड पार्ट, दैट मीन्स what is the fraction of this shaded part, what you will see that there are four parts. Okay, four parts and shaded is one part. So what you will write, the shaded part is one of four part, that means 1/4. चार भाग का एक भाग जो है वो शेडेड है. इसका मतलब ये हो गया. सो किसी भी नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर लिखा जा रहा है, दैट इज पी बाई क्यू के फॉर्म में, वो होता है फ्रैक्शन. फ्रैक्शन को हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि जैसा आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में आप बोला जाए कि आपका वेट है 30 किलोग्राम्स, उसमें आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, सर है, वो कितने किलो का होगा, 1.2 kg. तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो वेट है 30 kg, इसमें से 1.2 kg जो है वो हमारा ब्रेन है या स्कल है. तो हम क्या बोलेंगे कि 30 का 1.2 पार्ट. तो फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी चीज़ का जो हम पार्ट डिवाइड करते हैं वो हमारा फ्रैक्शन होता है. Let's see with another example from the book. The introduction part is here. When do you come across situation with fraction in your life? Let's see an example. Whenever you and your friend buy packets of biscuit combined, both of you share these biscuits. Supposing in that packet there are 9 biscuits, and you took कह रहा है कि मान लीजिए fraction के लिए एक example लिया जा रहा है कि आप और आपके friend हैं, दो लोग हैं, दोनों ने मिलकर एक बिस्किट खरीदा जिसमें टोटल 9 बिस्किट्स थे. अब उसको हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. इक्वल मींस हाफ, हाफ यानी 1/2, मतलब एक पूरे भाग का आधा भाग हमको दोनों में डिवाइड करना है. तो ये हमारा होता है फ्रैक्शन, दैट इज 1/2. सो आधा अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज 1/2, एंड उस आधे का भी हम आधा करते हैं तो दैट विल बी 1/4. यू कैन सी इन द फिगर दैट दिस इज अ होल सर्कल एंड इट इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स. ओके, इट इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स एंड हाफ इज शेडेड एंड हाफ इज रिमेन प्लेन. सो देर आर टू पार्ट्स एंड वन पार्ट ऑफ दैट इज शेडेड. सो टू पार्ट्स टोटल वर देयर एंड वन वॉज शेडेड. मतलब दो पार्ट यहाँ पे थे जिसमें से एक पार्ट इसका शेडेड था. तो हम इसका फ्रैक्शन कुछ इस तरह लिखेंगे. देखेंगे यहाँ, यहाँ पे आप देखेंगे सेम सर्कल था, उसको हमने चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ओके, और उसमें से एक पार्ट आपका शेडेड है, मतलब टोटल फोर पार्ट्स थे और वन पार्ट उसका शेडेड मिला. सो इस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं. लेट्स सी अनदर टॉपिक, दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिनमें फाइनल कट करने के बाद वैल्यू हमें हर कंडीशन में सेम मिले. इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. एग्जांपल में देखेंगे, आप देखिए ये एक सर्कल है, ये भी सेम सर्कल एंड दिस इज आल्सो द सेम सर्कल. हमने क्या किया, इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और एक पार्ट इसका शेड कर दिया. तो हमें फ्रैक्शन में जो वैल्यू मिली वो 1/2 मिली, दैट इज टू टोटल पार्ट्स टू थे और एक उसका शेडेड पार्ट था. वहीं पर जो सेकेंड एग्जाम्पल है, इसमें हमने इसको चार पार्ट में डिवाइड किया और दो पार्ट हमने इसका शेड कर दिया. ओके,
सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स वर देयर 1 2 3 4, 4 इज हेयर एंड दो पार्ट्स के शेडेड थे, 2 इज हेयर। यहाँ पे हम देखेंगे सेम सर्कल को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5 6, और तीन पार्ट इसके शेडेड किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिला 3/6। अब हम देखेंगे कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे हैं। ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट मीन्स ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो हमेशा इक्वल होगी। ये 2/4 है, इसको हमने कट किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट विल बी 1/2। ऐसे हमने इसको भी कट किया है, दैट विल बी 1/2, 3 2 6। मतलब इसकी भी वैल्यू 1/2 मिली, यहाँ भी 1/2 मिली, और यहाँ भी 1/2 वैल्यू मिली। इस तरह के जो भी फ्रैक्शन होते हैं वो होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मान लीजिए आपने लिखा 2/3, इसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, आपको मिला 2 2 4, 3 2 6। वैसे ही आपने 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, मान लीजिए 2 3 6, 3 3 9। हियर 2/3 × 4, 2 4 8 एंड 3 4 12। अगर हम इसको काट दें 2 से, तो 2/3 हमें मिल गया। फिर से हमने इसको 3 से के टेबल में हम देखेंगे, फिर से हमें ये 2/3 मिल गया, और यहाँ 4 से हम देखेंगे, फिर से हमें ये 2/3 मिल गया। मतलब 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये भी होगा, ये भी होगा, और ये भी होगा। मतलब ओवरऑल कट करने के बाद जो हमें वैल्यू मिले वो हमेशा सेम हो, ऐसे फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3, तो आप सिंपली 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे, और जो आपका इधर वैल्यू मिलती जाएगी ये आंसर हो जाएगी। ओके, जो हमारे फ्रैक्शन होते हैं उनमें ये 2/3 मान लीजिए लिखा हुआ है, तो इसमें ये 2 जो होता है ऊपर वाला, इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे वाला होता है इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ओके, डिनोमिनेटर मींस जो फ्रैक्शन के फॉर्म में, जो p/q के फॉर्म में लिखे गए हैं, p = 2 एंड q = 3, तो ये जो ये दिस लाइन है, ये जो लाइन होती है, इसके ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर आपसे कहा जाए 1/4, तो आप क्या बोलेंगे, मतलब 4 भाग का 1 भाग। पहले हम इसको लेंगे सेकेंड नंबर को, सेकेंड डिजिट को, सेकेंड वर्ड को, उसको हम लिख लेंगे 4 भाग का कितना 1 भाग। अगर बोला जा रहा है 2/5, इस तरह से बीच में डैश लगा करके बोला ही जाता है, लिखा ही जाता है 2/5, मतलब पहले ये न्यूमरेटर होगा फिर डिनोमिनेटर होगा। 5 डिनोमिनेटर हो गया आपका, न्यूमरेटर हो गया 2। बोला जा रहा है 3/4, उस कंडीशन में क्या करेंगे, दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर, तो हो जाएगा 3/4, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। नाउ वी विल मूव टू आवर एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, वी आर हियर ऑन एक्सरसाइज 5.1 एंड इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे आपको दिए गए हैं नंबर्स, डिजिट्स, इनको आपको फ्रैक्शन में लिखना है। आप देखेंगे 1/5 यानी 1/5, 3/4 यानी 3/4, 7/12 यानी 7/12, 8/9 यानी 8/9। जो पहला होगा वो होगा हमारा न्यूमरेटर, और जो दूसरा होगा वो हमारा होगा डिनोमिनेटर। फर्स्ट वन इज न्यूमरेटर एंड सेकेंड वन इज डिनोमिनेटर। इन फिफ्थ क्वेश्चन यू कैन सी दैट 5/7, 5 विल बी द न्यूमरेटर एंड 7 विल बी द डिनोमिनेटर। इन दिस वे यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 इट इज सेइंग राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने पहले बताया ये जो बीच में ये लाइन है, इसके ऊपर आपका न्यूमरेटर होता है और उसके नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर होता है। मतलब आप बोलेंगे ये न्यूमरेटर है ये, और ये डिनोमिनेटर है। ऐसे ही 5/11 है, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, यहाँ भी ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ऐसे करके आप क्वेश्चन नंबर
टू को बहुत ही इजली कर लेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट डाउन द फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग कंडीशन. कह रहा है कि आपको एक फ्रैक्शन बनाना है इनको यूज करके. न्यूमरेटर 5 होना चाहिए, डिनोमिनेटर 12. मतलब 5 न्यूमरेटर होना चाहिए और डिनोमिनेटर होना चाहिए 12. तो इस तरह से आप कर लेंगे. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आपको 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं. फर्स्ट वन इज 2/5. इसको हम करके देखेंगे आपको करना क्या है. 2/5 लिखा हुआ है, 2/5 लिखेंगे सिंपली. मल्टीप्लाई 2/2, देन 2/5 मल्टीप्लाई 3/3, 2/5 मल्टीप्लाई 4/4, 2/5 मल्टीप्लाई 5/5. 1, 2, 3, 4. Here we have 4. Now 2/5 multiply 6/6. We will multiply 2 2 are 4, 5 2 are 10. Here 3 2 are 6, 5 3 are 15, 2 4 are 8, 5 4 are 20, 2 5 are 10, 5 5 are 25. Now 2 6 are 12, and 5 6 are 30. कभी भी जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको इस तरह से फ्रैक्शन में दिए गए हों और आपको मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो न्यूमरेटर हमेशा न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है. 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया, 6 आया, और 5 को 3 से किया गया, 15 आया. ऐसे ही 2 को 4 से किया गया, 8 आया. 5 को 4 से किया गया, 20 आया. मतलब न्यूमरेटर को हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को हमेशा डिनोमिनेटर से. ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट. सो स्टूडेंट्स, योर असाइनमेंट वर्क इज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4. दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू.